हम लोग जा रहे हैं. Keep like, share and subscribe. Yeah. हाँ, that is what we want. ये तो एंड के लिए बचा रहा है. ये एंड के लिए, एंड के लिए ना. तो गाइस हम जम्मू तभी पहुंच गए हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको या तो दोनों डोज लगे हों तो बेटर है, नहीं तो आपको आरटीपीसीआर स्टेशन से ही कराने को मिल जाता है. ऐसे छोटे छोटे बूथ बने होते हैं इस टाइप के, आप यहाँ से भी अपना आरटीपीसीआर करवा सकते हैं. कोशिश करिए कि दोनों डोज लगे हों तो दिक्कत नहीं है. हे गाइस, तो स्टेशन से बाहर आते ही आपको टैक्सी स्टैंड दिखेगा. अपने बजट के हिसाब से टैक्सी या बस ले सकते हो अपने होटल तक पहुंचने के लिए. तो मुझे होटल जाने के लिए टैक्सी लेना पड़ रहा है. बड़ी टैक्सी लोगे इनोवा टाइप की तो आपको 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे. छोटी लोगे तो उस हिसाब से पैसेंजर के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी मिल जाएगी. फिर हम जाएंगे सीधा होटल पे. होटल से चेकआउट करके हम एक लोकेशन पे जाएंगे. वो लोकेशन क्या होगी तो अभी 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा. सुबह की पहली किरण के साथ हमने इस लोकेशन से माता रानी के द्वार तक जाना है हमें. वहां आप देख सकते हो तो बहुत लंबा सफर होने वाला है. पहले आप ये मॉर्निंग व्यू का मजा लीजिए. तो ये हमने ऑटो किया है 160 में. हमने किया है माता के दरबार तक का कटरा से ग्राउंड तक, जहाँ से एंट्री है. हाँ, इट इज 160 एंड यू शुड नेगोशिएट. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. थोड़े Approximately yeah, took 7 hours. We started at 7 a.m. and now it's 2. We have locker facilities also here. Then as you can see, it is locker number 1. And to frequent distance, we have different lockers. माता के दर्शन बहुत अच्छे रहे. अब मेरा जो नेक्स्ट है भैरव बाबा मंदिर. हमें रोपवे की तो टिकट नहीं मिली, रोपवे की लाइन इतनी लंबी है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं पैदल ही जाऊंगा. तो जय माता दी. जय माता दी.
वैष्णो देवी माता भी हो गई है, भैरव बाबा भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे उतर रहे हैं, देखते हैं कितने घंटे में हम नीचे उतरेंगे। हमें 7 से 8 घंटे लगे ऊपर चढ़ने में, बाय वॉक आए, बाय वॉक ही हम उतर के जाएंगे, देखेंगे कितना हमें टाइम लग सकता है। बहुत अच्छे दर्शन रहे, बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल को जो सुकून चाहिए था वो मेरे को आज मिल गया है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।